Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, today we are starting with branch audit under section 143 subsection 8. फ्रेंड्स वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है ब्रांच ऑडिट. मैं आपको जैसे बता रहा हूं आप ध्यान देना. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. सेक्शन 143(8) बोलता है. देखिए एक एग्जांपल ले लेते सर. रिलायंस कंपनी ले लो. रिलायंस कंपनी का हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई में. रजिस्टर ऑफिस मुंबई में उसका, और बाकी ऑल ओवर इंडिया उसके क्या है, ब्रांचेस है. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ सर, एक क्वेश्चन आता है क्या ब्रांच, देखो हेड ऑफिस का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका ऑडिट करने वाला, क्या वो सेम बंदा ब्रांच का भी ऑडिट कर सकता है? पॉसिबल है या नहीं भी पॉसिबल है? अगर उसके पास टाइम नहीं होगा तो कहां से ऑडिट करेगा? तो नॉर्मली कंपनियां क्या करती है, ब्रांच वाइज ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं. अगर ब्रांचेस, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आपको मैं, ब्रांचेस अगर इंडिया में, तो कंपनी का जो मेन ऑडिटर है वो भी ऑडिट कर सकता है ब्रांच का, या एनी अदर सीए भी कर सकता है. सिंपल, एनी अदर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है. लेकिन क्वेश्चन यहां पे इश्यू आता है, अगर ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है, रिलायंस का ब्रांचेस यूएसए में, अब क्वेश्चन आता है रिलायंस के यूएसए का ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा? तो इसमें दो पॉइंट है. एक तो यूएसए का ब्रांच का ऑडिट कंपनी का मेन ऑडिटर भी कर सकता है, या उनके कंट्री में जो रिस्पेक्टिव लॉ होगा उनके कंट्री में, वो लॉ के हिसाब से भी वो लोग वहां पे, जैसे यूएसए में सीपीए चलता है तो वो लोग भी कर सकते हैं. वेरी सिंपल, ये ब्रांच ऑडिट का कंसेप्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रांच इन इंडिया, ब्रांच आउटसाइड इंडिया. इंडिया में दो लोग, कंपनी का ऑडिटर या एनी अदर सीए. अगर ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी का मेन ऑडिटर या उनके कंट्री में जो रिस्पेक्टिव लॉ होगा. अब ब्रांच ऑडिटर जो रिपोर्ट होगा गाइस, वो किसको सबमिट करेंगे? कंपनी के मेन ऑडिटर को. एंड ब्रांच ऑडिटर के जो राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे वो सेम एज अ कंपनी का ऑडिटर के जैसा होगा. तो ब्रांच ऑडिटर का कंसेप्ट इतना ही है गाइस. Very simple topic. Thank you so much friends for watching this video. Please subscribe our channel. Thank you so much.